गाइस माय सेल्फ श्वेता जी, और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ टैक्स की 87 की। टैक्स की 87 एक फ्लोर क्लीनर है, साथ ही साथ फ्लोर का ऑयल ग्रीस रिमूव करने के पर्पस भी टैक्स की 87 यूज होता है। जब मैं ऑफिस में काम करती थी, सडनली एक ऑडिट प्लान हुआ था, तो मेरे को सर ने बोला, श्वेता तुम जो है किचन एरिया जाके चेक करके आओ। तो मैं किचन एरिया चेक करने गई, तो किचन एरिया में जाके चेक करके देख रही हूँ कि वहाँ पे बहुत सारा ऑयली ग्रीसी, मतलब क्लीनिंग का बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑलमोस्ट 2-3,000 एम्प्लॉय का खाना बनता था, मॉर्निंग इवनिंग हमेशा बनता रहता था। तो जैसे ही मैं चेक करने गई तो मेरे को बहुत गंदा लगा, और मेरे को टेंशन भी आया कि 30 मिनट के अंदर कैसे क्लीन होगा। तो जो किचन में जो थे, मैंने उनसे पूछा, भाई इसको कैसे साफ करोगे 30 मिनट के अंदर? तो उन्होंने मेरे को बोला कि मैं टैक्स की 87 को 50 ml 1 लीटर पानी में डायल्यूट करके स्क्रबिंग एंड मॉपिंग कर दूंगी, मेरा जो है किचन शाइन भी करेगा, बहुत अच्छा रूम फ्रेग्रेंस भी आएगा और क्लीन भी हो जाएगा। तो मैंने बोला ये पॉसिबल है? बोला हाँ, आप 15 मिनट के बाद आइए। और लिटरली जब मैंने 15 मिनट के बाद गया, जितना भी ऑयल ग्रीस का स्पॉट था वो भी चला गया, फ्लोर क्लीनिंग हो गया, साथ ही साथ एक अच्छा सा रूम फ्रेग्रेंस स्मेल सेंट आ रहा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, साइन दे रहा था जगह में। तो अगर आपको अपने घर में, अगर आपके अपने किचन में शाइन लाना है, तो आप एक बार जरूर टैक्स की 87 को यूज करें। स्पेशली टैक्स की 87 होटल इंडस्ट्री, जहाँ पे खाना बनता है, ऑफिसेस वगैरह में ज्यादा यूज होता है। अगर आपको ये केमिकल बल्क में लेना है तो आप दिव्या ट्रेडर्स से ले सकते हैं, और अगर आपको सिंगल यूज चाहिए तो आप जो अमेजन फ्लिपकार्ट मीशो से ले सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक जो है मेंशन कर दूंगी। और अगर आप टैक्स की 87 को फ्लोर क्लीनिंग के पर्पस घर में यूज करना चाहते हैं, तो आप 20 से 40 ml 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके जैसे मैं यहाँ पे मॉपिंग करी वैसे करिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।